हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विलफुल डिफॉल्टर की, नॉन कोऑपरेटिव बोरोअर की और रेड फ्लैग अकाउंट की। जी हाँ, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विलफुल डिफॉल्टर की। जी हाँ दोस्तों, अगर विलफुल डिफॉल्टर की बात करें तो विलफुल डिफॉल्टर वे बोरोअर होते हैं जो पटाने की क्षमता तो रखते हैं लोन को, लेकिन पटाते नहीं हैं, तो उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है, हु हैज़ फंड्स टू रिपे बट डज नॉट रिपे। ऐसे लोग जिनके पास फंड तो रहता है रिपे, उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, वो पटा सकते हैं लेकिन पटाते नहीं। हु हैज़ फंड्स टू रिपे बट डज नॉट रिपे, उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। दूसरी बात है, ऐसे लोग जो लोन में लिए हुए पैसे का उपयोग जो है किसी दूसरे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए ना करके दूसरे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उसको भी विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। हु डज डाइवर्शन ऑफ फंड, जिसको बोलते हैं डाइवर्शन ऑफ फंड कर दिए। और हु डज साइफनिंग ऑफ फंड, ऐसे बोरोवर जो फंड की साइफनिंग कर लेते हैं, मतलब वहाँ से पैसा निकाल के कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जाने कि विलफुल डिफॉल्टर किसे बोलते हैं। हु हैज़ फंड टू रिपे बट डज नॉट रिपे, हु डज डाइवर्शन ऑफ फंड, हु डज साइफनिंग ऑफ फंड, उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। अब यहाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अ बोरोवर हु डिफॉल्ट्स इन लोन पेमेंट डिस्पाइट हैविंग द कैपेसिटी टू पे, एक बोरोवर जिसके पास कैपेसिटी होते हुए भी नहीं पटाता है। दूसरी कंडीशन है, फंड्स हैव नॉट बीन यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड एंड हैव बीन डाइवर्टेड, मतलब जो फंड जिसके लिए उन्होंने लोन मांगा था उसमें इन्वेस्ट न करके वो किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिए हैं, तो उनको विलफुल डिफॉल्टर माना जाता है। और तीसरी कंडीशन है, वाइल डिफॉल्टिंग द बोरोवर हैज़ एल्सो डिस्पोज ऑफ फिक्स एसेट इमोबल प्रॉपर्टी गिवन एज सिक्योरिटी विदाउट बैंक नॉलेज, अगर बिना बैंक को बताए हुए अगर वो फिक्स एसेट या उनके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। तो विलफुल डिफॉल्टर ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपेसिटी तो है पटाने की, लेकिन वो पटाते नहीं हैं, जिनका डाइवर्सन ऑफ फंड होता है और जो साइफनिंग ऑफ फंड करते हैं, उनको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अब विलफुल डिफॉल्टर के लिए एक रिपोर्टिंग का कट ऑफ होता है कि किसको रिपोर्टिंग किए जाते हैं, तो विलफुल डिफॉल्टर की जो रिपोर्टिंग की जाती है उसका जो कट ऑफ पॉइंट होता है विलफुल डिफॉल्टर का, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ 25 लाख एंड मोर। अगर ऐसे बोरोवर डिफॉल्टर जिनकी आउटस्टैंडिंग जो है 25 लाख से ज़्यादा होती है, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। अब रिपोर्टिंग किसकी की जाती है ये देखते हैं। जी हाँ, जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, ऐसे बोरोवर जिनका 25 लाख से ऊपर का एक्सपोजर है, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। और जो रिपोर्टिंग की जाती है, रिपोर्टिंग इज़ डन टू ऑल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ विच बैंक इज़ ए मेंबर, जो रिपोर्टिंग की जाती है सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को की जाती है जिनके वो मेंबर होते हैं। रिपोर्टिंग इज़ डन ऑन मंथली बेसिस, जी हाँ, रिपोर्टिंग जो है मासिक तौर पर किया जाता है। और विलफुल डिफॉल्टर को कोई भी बैंक जो है किसी भी प्रकार का फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है। नो बैंक विल गिव एनी फाइनेंस टू विलफुल डिफॉल्टर, इसकी लिस्ट RBI द्वारा जारी की जाती है समय समय पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो विलफुल डिफॉल्टर की जो जानकारी है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को दी जाती है, और वो कंपनियाँ हैं जैसे सिबिल है, सिबिल जिसको ट्रांस यूनियन सिबिल बोलते हैं, और इक्वीफैक्स है, फिर एक्सपीरियन है और क्रिफ हाई मार्क्स हैं। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियाँ हैं जिनको विलफुल डिफॉल्टर की रिपोर्टिंग की जाती है, और वहाँ पर उनका कट ऑफ होता है 25 लाख एंड अबव, मतलब ऐसे बोरोवर जो विलफुल हैं, जो इनके पास कैपेसिटी है पे करने की लेकिन पे नहीं करते हैं, तो बैंकें जो हैं ऐसे डिफॉल्टर्स की रिपोर्टिंग जो है इन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को करती है। इनका कट ऑफ लिमिट है 25 लाख एंड अबव का आउटस्टैंडिंग हो, एक्सपोजर हो उनको। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर क्या है। जी हाँ, अभी हम चर्चा कर रहे थे विलफुल डिफॉल्टर की, अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कौन है। ऐसे बोरोवर जो अपनी सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने ना देवे, हु डज नॉट परमिट द इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ऐसे बोरोवर जो अपनी सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन ना करने दें, ऐसे बोरोवर जो अपने सिक्योरिटी को सेल करने ना देवें, हु डज नॉट अलाउ द सेल ऑफ सिक्योरिटी, ऐसे बोरोवर जो उनके पास कैपेसिटी तो है रिपे करने के लिए रिपे नहीं करते हैं, उनको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कहते हैं। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हम नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की, और नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर वो हैं जो हु डज नॉट परमिट द इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, हु डज नॉट अलाउ द सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड हु डज नॉट रिपे दो ही हैज़ फंड टू रिपे, मतलब ऐसे लोग जो सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने ना दें, ऐसे लोग जो अपने उनकी सिक्योरिटी को बेचने में मदद ना करें, ऐसे लोग
जो फंड्स तो है उनके पास लेकिन वो रीपे न करें, इनको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर। ऐसे जो नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर हैं उनकी रिपोर्टिंग का जो कट ऑफ होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग और ₹5 करोड़ एंड अबव। जी हाँ, 5 करोड़ से ऊपर की जो आउटस्टैंडिंग होती है इनकी रिपोर्टिंग की जाती है, और इनकी जो रिपोर्टिंग की जाती है रिपोर्टिंग इज़ डन टू क्रेडिक, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। जी हाँ, 5 करोड़ से ऊपर ऐसे बॉरोवर जो नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर हैं, जो सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन करने न देवें और जो अनुमति न देवें सेल करने की, या जिनके पास रिपेमेंट कैपेसिटी तो है लेकिन रिपे नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की जिनका एक्सपोजर जो है 5 करोड़ से ऊपर है, इनकी रिपोर्टिंग की जाती है क्रेलिक को, जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, इसको रिपोर्टिंग की जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि विलफुल डिफॉल्टर है तो यहाँ पर 25 लाख से ऊपर की रिपोर्टिंग की जाती है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को की जाती है, और अगर नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर हैं तो इनकी रिपोर्टिंग जो है क्रेलिक को की जाती है, और इनका जो कट ऑफ लिमिट है वो 5 करोड़ से ऊपर के जो रिपोर्टिंग की जाती है क्रेलिक को। चलिए अब बात करते हैं रेड फ्लैग अकाउंट्स कौन से होते हैं, जिसको RFA बोलते हैं। रेड फ्लैग अकाउंट्स क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर रेड फ्लैग अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाते हैं जिनमें सस्पिशियस होता है, जिनमें संदेह होता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। ऐसे खाते जिनमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, फ्रॉड की एक्टिविटी हो रही है, अगर इस तरह का संदेह हो और अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाए, एक से अधिक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाए, तो ऐसे खातों को रेड फ्लैग अकाउंट किए जाते हैं और रेड फ्लैग अकाउंट माने जाते हैं। रेड फ्लैग अकाउंट इज़ वन वेयर ए सस्पिशियस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इज थ्रोन अप बाई द प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर अर्ली सिग्नल्स। जी हाँ, अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा अर्ली सिग्नल मिलते हैं, संदेह होता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का, तो ऐसे खातों को रेड फ्लैग अकाउंट कहा जाता है। ऐसे जो रेड फ्लैग अकाउंट है इनके जो रिपोर्टिंग का जो कट ऑफ पॉइंट होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹50 करोड़ एंड अबव। अगर एक्सपोजर 50 करोड़ एंड अबव के हैं और उनमें अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का संदेह होता है, तो ऐसे खातों को रेड फ्लैग किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग की जाती है क्रेलिक को। जी हाँ, रिपोर्टिंग इज डन टू क्रेलिक, जिसको सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, 3 तरह के खातों की, जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पेमेंट तो है लेकिन वो पे नहीं करते हैं, जिनके पास फंड तो है लेकिन पे नहीं करते हैं, उनको विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं, और इनकी रिपोर्टिंग की जाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, जैसे सिबिल है, क्रिफाई मार्क्स है, एक्सपीरियन है और क्विक इक्विफैक्स है। इनको जो कट ऑफ लिमिट होती है वो 25 लाख से ऊपर, और दूसरे नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर इनकी रिपोर्टिंग की जाती है क्रेलिक को, और इनका कट ऑफ पॉइंट होता है 5 करोड़ एंड ऊपर। और रेड फ्लैग अकाउंट है, इनकी रिपोर्टिंग की जाती है क्रेलिक को, और इसकी जो कट ऑफ पॉइंट होता है ₹50 करोड़ एंड अबव। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जान पाए होंगे कि विलफुल डिफॉल्टर कैसे हैं और नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर और रेड फ्लैग अकाउंट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारियों से आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिलेगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और एक दूसरे के साथ हम लोग सीखते रहते हैं। आपकी सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।